हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सब उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 20,000 रुपये के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन कौन से हैं ये आपको बताया था, और फिलहाल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि 25,000 रुपये के अंदर कौन से ऐसे स्मार्टफोन हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी है। अच्छे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कि हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है, और वो है रियलमी की कंपनी का रियलमी 12 प्रो 5G। तो इस फ़ोन में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.55 इंच की फुल HD प्लस अमोलेड डिस्प्ले मिलती है, और 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। एंड मीडिया टेक डायमेंसिटी 1080 का 5G वाला चिपसेट मिल जाएगा। एंड यहाँ पर 6GB एंड 8GB रैम के साथ लॉन्च हुआ है, और 128GB का स्टोरेज मिल जाएगा। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, यानी कि पीछे साइड आपको 4 कैमरा सेटअप मिलेंगे, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा मिलेगा। सेल्फी के साथ बात करते हैं तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जो कि कैमरा क्वालिटी आपको अच्छी निकाल के देगा। एंड कैमरा का कॉम्बिनेशन काफ़ी कमाल का दिया गया है इस फ़ोन में। बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 4500mAh की बैटरी ही मिलती है, एंड 65W का फास्ट चार्जर ज़रूर मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 12 मिलता है, जो कि रियलमी UI 3.0 है, और यहाँ पर एंड्रॉयड 14 तक मोबाइल फ़ोन आने लगे हैं, और बट यहाँ पर एंड्रॉयड 12 मिल रहा है, जो कि इस फ़ोन को लिस्ट में 5 नंबर पर रखता है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो 5G की कनेक्टिविटी मिलती है, ड्यूअल सिम का सपोर्ट रहेगा, वाईफाई ब्लूटूथ GPS सब कुछ रहेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले रहेगा। एंड एंड्रॉयड फीचर्स की बात करते हैं तो 3.5mm का हेडफोन जैक मिल जाएगा, FM रेडियो मिल जाएगा। प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 20,000 रुपये के ऊपर ही ये फ़ोन मिलेगा आपको, यानी कि 20 से 25,000 रुपये के रेंज में पड़ जाएगा। नहीं, ये वन प्लस कंपनी का है, जो कि हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है, OnePlus Nord CE 4। तो इस फ़ोन में आपको 6.43 इंच की फुल HD प्लस अमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो मीडिया टेक डायमेंसिटी 810 5G प्रोसेसर मिलता है, जो कि बढ़िया है। रैम एंड स्टोरेज की बात करते हैं तो यहाँ पर 6GB 8GB की रैम मिलती है, 128GB की स्टोरेज मिल जाएगी। कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पीछे साइड में 3 कैमरा मिलेंगे, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल का। सेल्फी साइड में आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाएगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो एंड्रॉयड 13 आता है, ऑक्जिनास यानी कि ऑक्सीजन OS 13.1 पर बेस्ड है। एंड बैटरी की बात करते हैं तो 4500mAh की बैटरी मिल जाएगी, एंड 65W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बैटरी सेम ही मिलती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ड्यूअल सिम का सपोर्ट रहेगा। फिंगरप्रिंट की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहेगा। एडिशनल फीचर में वही सेम रहेगा, 3.5mm का हेडफोन जैक मिल जाएगा, FM रेडियो। एंड इस फ़ोन की प्राइस भी आपको 20 से 25,000 रुपये के बीच में पड़ेगी। अब बात करते हैं जो कि हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर मोबाइल फ़ोन आता है, और वो है आईकू कंपनी की तरफ से आने वाला आईकू G7 Pro 5G। इस फ़ोन में आपको 6.78 इंच की फुल HD प्लस अमोलेड डिस्प्ले मिलती है, एंड 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। 7000 यानी मीडिया टेक डायमेंसिटी 7000 का चिपसेट मिल जाएगा, जो कि 5G को सपोर्ट करता है। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो 8GB रैम मिलती है, 128GB स्टोरेज मिल जाएगी, एंड 256GB की स्टोरेज मिल जाएगी। कैमरा की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, पीछे साइड में आपको 3 कैमरा देखने को मिलेंगे, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल का, और सेल्फी साइड में आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाएगा। वहीं बैटरी की बात करते हैं तो 4600mAh की बैटरी है, एंड 120W का फास्ट चार्जर है। तो दोस्तों, यहाँ पर 5000mAh की बैटरी रहती तो और बढ़िया रहता, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी चाहिए चार्जर, फास्ट चार्जर तो 65W 70W के फास्ट चार्जर होते हैं, इतना ही फास्ट हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस फोन में आपको एंड्रॉयड 13 मिलता है, एंड आईकू UI 2.0 पर बेस्ड है। कनेक्टिविटी 5G रहेगी, ड्यूअल सिम कार्ड सपोर्ट रहेगा, वाईफाई ब्लूटूथ GPS सब कुछ रहेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड डिस्प्ले रहेगा। एंड ये फ़ोन आपको 20,000 से 25,000 रुपये के बीच में पड़ जाएगा। अब बात करते हैं जो कि हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है, और वो है इंडियन ब्रांड जो कि कमाल का स्मार्टफोन इस समय लॉन्च कर रही है, लावा कंपनी। लावा Agni 3 मोबाइल फ़ोन है नंबर 2 में। इस फोन में आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस अमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 120Hz का रिफ्रेश मिल जाएगा। एंड प्रोसेसर मिल जाएगा मीडिया टेक डायमेंसिटी 7500 का, जो कि काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है, नया एंड लेटेस्ट प्रोसेसर है। रैम एंड रोम स्टोरेज की बात करते तो 8GB रैम एंड 128GB की रोम मिल जाएगी, और 256GB का स्टोरेज मिल जाएगा, यानी कि कम्बिनेशन भी बढ़िया है स्टोरेज के लिए। और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जो कि 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा रहेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा रहेगा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहेगा। दोस्तों, तो काफ़ी कमाल की कैमरा सेटअप मिलता है, कम्बिनेशन मिलता है।
एंड इस फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 65 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इस फ़ोन में भी आपको एंड्रॉयड 13 मिलेगा, बट एंड्रॉयड 14 अपडेट के बाद मिल जाएगा। एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G का सपोर्ट रहेगा, ड्यूअल सिम कार्ड सपोर्ट रहेगा, वाईफाई रहेगा, ब्लूटूथ रहेगा, GPS रहेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, काफ़ी फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क करता है। एडिशनल फीचर की बात करें तो 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल जाएगा, FM रेडियो मिल जाएगा। प्राइस दोस्तों इस फोन में आपको 20,000 से 25,000 रुपये के बीच में ही पड़ेगा। ऑफर वगैरह में ये दोस्तों आपको कम में भी पड़ जाएगा, लेकिन लगभग 21 से 22 हज़ार रुपये में ये फ़ोन आपको पड़ जाएगा। आपको 25,000 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं प्राइस के हिसाब से, तो दोस्तों ये 22,000 रुपये, 22 से 23,000 रुपये में एक कमाल का ऑलराउंडर फ़ोन कह सकते हैं हम इसको। हम इसको नंबर वन में भी रख सकते थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा माइनर अंतर है रेडमी नोट 13 Pro 5G में, जो कि मैं आपको बताता हूँ। या इस फ़ोन को हमने नंबर वन पर रखा है क्योंकि इस फ़ोन में आपको 6.7 इंच की अमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, MediaTek Dimensity 1080 5G चिपसेट प्रोसेसर मिलता है, एंड 6GB 8GB की रैम मिलती है, 128GB एंड 256GB की स्टोरेज मिलती है। कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि 200 MP का मेन कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, एंड 2 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा है। तो दोस्तों यहाँ पर 200 MP का कैमरा दिया गया है, इसकी वजह से हमको इस फ़ोन को नंबर वन पर रखना पड़ा है। बट दोस्तों यदि आप नंबर वन पर अपनी तरफ से लावा अग्नि 3 को भी रख लेंगे और उसे ख़रीद लेंगे, तो ये रेडमी नोट 13 Pro 5G से एक्स्ट्रा आपको परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा, क्योंकि 200 MP का कैमरा नाम मात्र का है, ठीक है। एंड यहाँ पर 16 MP का फ्रंट में सेल्फी के लिए कैमरा दिया गया है। तो आप इसके बदले में यदि आप इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको निराश नहीं करेगी इंडियन ब्रांड, यानी कि लावा अग्नि 3 मोबाइल फ़ोन आपको निराश नहीं करेगा। आप इंडियन ब्रांड लावा अग्नि 3 भी खरीद सकते हैं। बाकी फीचर्स में यहाँ पर थोड़ा सा आगे निकल जाता है रेडमी नोट 13 Pro 5G, और लावा अग्नि 3 में भी कमी नहीं है। एंड इस फ़ोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 67 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एंड्रॉयड 13 है विद MIUI 14। एंड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो 5G का सपोर्ट रहेगा, ड्यूअल सिम कार्ड सपोर्ट रहेगा, ब्लूटूथ रहेगा, GPS रहेगा, एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहेगा। एंड 20,000 से 25,000 रुपये के बीच में ही मोबाइल फ़ोन आपको पड़ जाएगा। और लावा अग्नि 3 कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, और रेडमी नोट 13 Pro 5G भी कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। तो दोस्तों ये था हमारे मोबाइल फ़ोन का कंपेरिजन, तो आपको पता चल गया होगा कि नंबर वन पर कौन सा स्मार्टफोन है और आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करते हैं तो लावा अग्नि 3 को ख़रीदें, नहीं तो आप रेडमी नोट 13 Pro 5G को भी खरीद सकते हैं। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और कैसी लगी, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर कहना, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।